हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का एक वाकया मशहूर है और मैंने इसे हुजूर ताजुल शरिया की मौजूदगी में बयान फरमाया और हजरत ने इसकी तायीद भी फरमाई कि आप तशरीफ लाए थे उदयपुर में, राजस्थान का एक शहर है उदयपुर, और उस जमाने में वहाँ राजा की हुकूमत थी, वहाँ का जो राजा था पहले सब ये रजवाड़े थे, एक एक शहर होते थे, जयपुर है, उदयपुर है वगैरह। उदयपुर का जो राजा था उसकी हुकूमत थी वहाँ पर। आपका कोई चाहने वाला कोई मुरीद था, उसने आपको बुलाया था अपने वहाँ के यहाँ से, तशरीफ लाए, कुछ दिन नवाजें, आराम फरमाए यहाँ उदयपुर, चूँकि अच्छा शहर है और वहाँ की आबो हवा बड़ी खुली हुई है, बड़ी अच्छी फ़ज़ा है, बुलाया। तो यहाँ तशरीफ लाए जब उदयपुर, तो आपके ये अंगूठे में एक फोड़ा हो गया, ये नाखून की जड़ और ये मोटी खाल, ये फोड़ा जो है वो बहुत ही तकलीफ देह होता है, बहुत तकलीफ देह होता है ये, और उसका ऑपरेशन उससे ज़्यादा तकलीफ देह होता है, और ऑपरेशन ही उसकी सूरत होती है, इसलिए कि वो पक के भी जल्दी फूटता नहीं, वो ऑपरेशन करने ही करना पड़ता है, यहाँ की खाल बहुत मोटी है। अब वो फोड़ा हो गया तो आपके मेज़बान जो मुरीद थे अर्ज़ के हुजूर इस यहाँ इसका अच्छा इलाज होगा, ये राजा का एक मालिज है, डॉक्टर है, वो इस हिस्से में बड़ा माहिर है, आप फरमाएँ तो उसको दिखाया जाए। मैंने कहा ठीक है, उसने दिखाया तो कहा कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का वक्त मुकर्रर हुआ, वो सुबह आया, आने के बाद उस ज़माने में शायद हो सकता है कि भी हिंदुस्तान में सुन करने की दवा ना आई हो, आज तो है ना कि जहाँ इंजेक्शन दिया जाए उतना हिस्सा सुन हो जाता है, लेकिन उस ज़माने में जब कोई तकलीफ दे ऑपरेशन वगैरह होता था तो बेहोश किया जाता था, बेहोशी की दवा सुंघाई जाती थी या पिलाई जाती थी, जो भी है उससे आदमी बेहोश हो जाता, बेहोशी के आलम में ऑपरेशन किया जाता था। तो अब आपको भी उसने बेहोशी का इंजेक्शन या बेहोशी की दवा देनी चाहिए, आपने फरमाया नहीं, मैं जानबूझ करके ऐसी दवा इस्तेमाल नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा फिर आप ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसे बर्दाश्त करेंगे नहीं, मोटी खाल है, काफ़ी तकलीफ होगी। आपने फरमाया मैं बेहोश तो नहीं होऊंगा, आपको ऑपरेशन करना है तो वही सही करो। अब वो बार बार कह रहा है कि भाई ये तकलीफ दे है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, कोई बात हो आप करो। तो जब वक्त मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर पे आया, आपने औजार वगैरह ले करके, अब आपने ऐसे अपना ये दाहिना हाथ ऐसे बढ़ा दिया उसकी तरफ, डॉक्टर की तरफ, और आपके एक हाथ में तस्बीह थी। अब वो आप आँख बंद किए, ऐसे सर झुकाए, तस्बीह पढ़ते जा रहे। अब डॉक्टर ने जायज़ा लिया, उसके बाद फिर दवा लगाई, ये किया वो किया, अब वो उस पर उसने चीर मारी और जर्राही की, सब किया, वो देख रहा है चेहरा, अब चिल्लाएंगे, अब चीखेंगे, कुछ नहीं, वो चीरता रहा, साफ करता रहा, धोता रहा, जहाँ तक के पूरा ऑपरेशन करके उसने पट्टी बांध दी और हजरत तस्बीह पढ़ते रहे, आँख बंद पर। आखिर में जब ऑपरेशन हो गया मुकम्मल, सब पट्टी बंध गई, क्या हो गया बताया, अच्छा हो गया, ठीक ठीक, ये पेशानी में ज़रा बराबर बल नहीं आया। तो ये हुज्जतुल इस्लाम है।